दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि Redmi का Note 9 है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये सेट आपका कंप्लीट डेड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं उनका ये हैंडसेट है, इन्होंने इसके अंदर सारा कुछ कर लिया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके अंदर करके देख लिया आप देखेंगे, इसके अंदर देखो इन्होंने इस आईसी को भी रिवोल्व कर दिया है जो कि नेटवर्क का आईसी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने इसका देखो सीपीयू और आपका एमएमसी इसको भी रिवोल्व कर दिया, मतलब कि ये कंप्लीट इसके अंदर काम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर आपकी ज़्यादा सभी आईसी को रिवोल्व कर दिया, यहाँ पर सीपीयू एमएमसी रोल है, पर ये सेट आपका अभी भी डेड है। ये सेट देख सकते हैं, पावर आईसी इसका सेट आपका अभी भी डेड है। आपने कि ये सेट आपका डेड है, जो हमारे ऑफलाइन क्लास में आए हैं उनका एक सेट है, देखेंगे सेट में आपका एक्चुअल क्या केस निकलता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको भी डेड हैंडसेट में प्रॉब्लम होता है और आपका हैंड स्किल अच्छा है, हैंड स्किल मतलब जैसे आप लोग आईसी निकालना लगाना जानते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप डेड हैंडसेट में काम करते हैं, ठीक है। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है। 6,000 कम फीस में भी आप बहुत अच्छा रिपेयरिंग सीख सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारा हर महीने की 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होता है, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी सीट को बुक करके भी बहुत अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग लेकर अपने शॉप पर अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं तो देखते हैं कि इन्होंने सारा कुछ कर लिया है पर सेट में अभी कोई सफलता नहीं मिला है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसे डीसी मशीन से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे अपना डीसी सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कनेक्ट इसको, एक बार चेक करते हैं। देखो ये जो डीसी सप्लाई है हमारी वो ऑटो आपका ले रहा है 0.9, जिसमें जो कि फंगस लग गया इनके जैक्स में इसीलिए, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं हमारा डीसी सप्लाई। मतलब कि काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर लगाया है, ठीक है, आपका कोई करंट नहीं है यहाँ पर, जो कि 9 तो ले ही रहा है। अब हम एक बार पावर की प्रेस करेंगे और चेक करेंगे एक्चुअली इसका करंट कंजम्पशन क्या है। देखो उन्होंने इसका सीपीयू एमएमसी भी रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है। बाकी ये वो उसके अंदर सारा कुछ कर चुके हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे तो शायद तो उन्होंने लाइट का भी कुछ काम किया है। देखो यहाँ पर आपको जम्पर भी दिख रहे होंगे, तो एक बार दबाते हैं हम यहाँ पर पावर की। देखो पावर की दबाया और यहाँ पर देखो ये ओनली 2 रीडिंग ले रहा है आपका, ये ले रहा है आपका 44 और 79, मतलब कि ये केवल 2 रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है ओनली। ये देखो आपका इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि ओनली ये 2 रीडिंग ले रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि जिनमें आपका 30 का डिफरेंट होता है, देखो यहाँ पर रीडिंग का कितना डिफरेंट है 30 का, एक बार दोबारा चेक करना। देखो 4, 2 और 7, 6, मतलब कि इसमें डिफरेंट कितने का है, कम से कम 30 का। तो देखो अगर आपको डीजे सप्लाई का रीडिंग नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गया है, कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है इसीलिए ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं इस फोन के अंदर शॉर्टिंग है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि जितना हमने अभी तक ये रीडिंग के बारे में जाना है, अगर ऐसा रीडिंग लेता है तो हमारे फोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होता है, और अगर MI 6 से वगैरह ऐसा हैंडसेट होता है तो उसकी इमेंसी में इस रीडिंग लेने से उसमें जो इसकी इमेंसी है उसमें लॉक लग जाता है, जिसे आप राइट प्रोडक्शन ऑन कह सकते हैं, उससे वो इमेंसी खराब हो जाता है आपका, तब भी ऐसा रीडिंग लेता आपका। तो यहाँ पर रीडिंग लिया है तो या तो शॉर्टिंग है या हमारा ये जो इसका हार्ड डिस्क है एमएमसी है, इससे कोई समस्या है, इस रीडिंग से ये मतलब लगता है, ठीक है। पर हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो नंबर 1 हमारा होता है कि स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से, इसका रीडिंग लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से पहले इसका रीडिंग ले लेते हैं। तो ये हमारा मीटर प्रॉप है, आप लोग जानते हैं रेड को हम ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे पहले रीडिंग क्या है हमारा। तो यहां पर देख सकते हैं आपका रीडिंग 600 आ रहा है, ठीक है। प्रॉप चेंज करते हैं,
क्रॉप चेंज करने पर सही रीडिंग आ रहा आपका, ओके है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेंगे, ये भी ओके है और आपका ये भी ओके है और लास्ट आपका ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि आपका ये ग्राउंड भी आ रहा है आपका, मतलब कि यहाँ पर आपका जो ये रीडिंग है वो आपका ओके है। तो हम इसके बाद चेक करेंगे, यहाँ का रीडिंग चेक कर लिया हमने, हम चेक करेंगे कॉल का रीडिंग, ठीक है। कहीं आपका जो रीडिंग के हिसाब से हमको लगता है कि ऐसे केस में आपका शॉर्टिंग होता है, तो हम एक बार इनका रीडिंग भी ले लेंगे। रीडिंग इसका भी ओके है, ये भी रीडिंग ओके आपका, और इस कॉल का भी रीडिंग हो चुके, मतलब कि तीनों कॉल का रीडिंग हमने देखा है वो ओके है हमारा। इस कॉल का भी रीडिंग ओके आपका, और इस कॉल का भी रीडिंग ओके आपका है, और हमारा इस कॉल का भी रीडिंग ओके है, इस कॉल का भी रीडिंग ओके आपका है, और इस कॉल का भी लगभग 400 प्लस है, मतलब ये भी ओके है आपका। इसके बाद लास्ट आपका ये है, ये मतलब कि इसका भी ओके। इसका मतलब है कि जितने भी आपके कॉइल हैं उन सबका रीडिंग ओके है। अब एक बार देखेंगे ये आपका यूएसबी चार्जर में करंट कंजेशन क्या हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रीडिंग चेक कर लिया, रीडिंग हमारा ओके है। तो हम एक बार देखेंगे कि इसके अंदर आपके बक वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या हमारा यूएसबी चार्जर में क्या रीडिंग ले रहा है, क्योंकि ये जो रीडिंग लिया है टू ओनली दो रीडिंग पर फ्लक्चुएट करना और जिसमें 30 का डिफरेंट हो, तो ये प्रॉब्लम या तो आपकी शॉर्टिंग से होती है या तो आपकी हार्ड डिस्क खराब होने से होती है, क्योंकि ये भी मीडियाटेक सेट है और MI6 से हमने कई बार देखा है उसमें भी मीडियाटेक सेट होता है तो MMC खराब निकलता है उसका। तो हम एक बार इसका देख लेंगे यहाँ पर, अभी देखते हैं हमने यहाँ पर लगा दिया है और चार्जर लगा देंगे और हम देखेंगे अभी हमारा यूएसबी चार्जर में करंट कंजम्पशन क्या है। तो ये हमने लगा दिया इसके अंदर, एक मिनट टाइप सी पोर्ट ले लेते हैं एक बार, तो ये हमारे पास टाइप सी है पोर्ट। हमने यहाँ पर टाइप सी ले लिया और हम एक बार लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया चार्जर और हम चेक करेंगे अभी हमारी बैटरी और हमारा ये लगा हुआ है कि करंट कितना है। तो हमारा जो चार्जर है यूएसबी के अंदर ये कुछ भी करंट कंजेशन नहीं ले रहा, इसमें आपका कुछ भी करंट नहीं है, ठीक है भाई। अभी इसने आपका 0.6 लिया है, इसने आपका करंट है वो 0.6 ले लिया है। देखो चार्जर लगाने के बाद जो यहाँ पर जो करंट लिया है वो इसने 0.6 ले लिया है, 0.6 करंट ले लिया। इसका मतलब ये करंट इसके अंदर जा रहा है, फ्लो हो रहा है करंट का इसके अंदर। देखते हैं कि इसके वक्त वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते। देखो यहाँ पर आपने इतना चेक कर लिया कि यहाँ पर हमारे देखा कि यहाँ पर हमें कॉइल पर सब पर रीडिंग मिला, तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज से हम आईडी लगाएंगे एक्चुअल कि एक बक वोल्टेज अगर बनता है हमारा तो हार्ड डिस्क की तरफ जाएंगे, अगर बक वोल्टेज नहीं बनता है तो हमें पावर सेक्शन का क्लियर करना पड़ेगा। पावर सेक्शन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, तो हम इसके लिए पहले एक बार चेक करेंगे इसके बक वोल्टेज। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा बनेगा बीबीच पावर हमारा, एक मिनट। मीटर सेट है हमारा, यहाँ पर हमारा 3.8 वोल्टेज बन रहा है जो कि हमारे सेट को चालू करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज है, ठीक है, जो कि बन रहा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा और कॉइल पर, इस कॉइल पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, इसको चेक करेंगे इस कॉइल पर क्या वोल्टेज बन रहा है। हमारे इस कॉइल पर भी कोई वोल्टेज नहीं है और हमारा इस कॉइल पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, एक बार देखते हैं। हाँ बन रहा है और हमारा इस कॉइल पर भी कोई वोल्टेज नहीं है आपका, यहाँ चेक करेंगे इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है और हमारा इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है,
यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है और आपका यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, मतलब कि इसके अंदर आपका वक वोल्टेज नहीं बन रहा है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ऐसा अगर रीडिंग ले रहा है तो या तो शॉर्टिंग है, ठीक है, बट इसमें पावर आईसी से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कंफर्म हो गया या तो मेरी पावर आईसी वोल्टेज क्यों नहीं बना रही। ये कोई भी आईसी वोल्टेज ना बनाने के रीजन कितने हो सकते हैं। देखो पहला रीजन हो सकता है कि या तो आईसी खराब हो गया हो, ऐसा हो सकता है। नंबर सेकंड, क्या या इन्होंने जो सीपीयू रिवॉल्व किया है इसके पीछे आईसी लगा है तो बॉल मेल्ट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है हमारा। नंबर थर्ड ये हो सकता है कि या इसके कहीं ना कहीं आईसी के आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग हो, तब भी ऐसा हो सकता है। तो देखेंगे ये पावर आईसी कौन सा है। हमारे पास पावर आईसी लगाया है वो आपका है MT6358W। ये हमारा इसका पावर आईसी है जो कि आपके कई हैंडसेट में लगकर आता है। तो हम देखेंगे इसके इनआउट वोल्टेज, जितने भी आईसी का आउटपुट वोल्टेज उनका हमको रीडिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाय निकाल देते हैं और हम बोर्ड को बाहर कर लेते हैं अपना और हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि सबसे पहले डीसी सप्लाई में इसने कुछ रीडिंग लिया जिसमें दो डिवीजन पर रीडिंग चल रहा था। तो हम लोग ने जितने केस रिपेयर किए उसमें या तो शॉर्टेज निकलता है या हमारी हार्ड डिस्क खराब निकलती है, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ रिवॉल्व किया हुआ है इन्होंने पहले से ही। यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट है, ठीक है, निकाल दिया है। तो रीडिंग लिया, रीडिंग तो हमें शॉर्टिंग मिला नहीं इसके अंदर, ठीक है, या तो हमारी पावर ऐसी खराब हो गई है। पर हम एक बार इसके आउटपुट और वोल्टेज का भी रीडिंग ले लेंगे, जैसे हमारे एलडीसी वोल्टेज, क्योंकि देखो जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा पावर आईसी वोल्टेज नहीं बन सकता। देखो यहाँ पर पावर आईसी वोल्टेज कंप्लीट नहीं बन रहा है और शॉर्टिंग भी नहीं है। ज़्यादातर सेट में क्या होता है कि जैसे सीपीयू हमारा शॉर्ट हो जाता है तो आपका किसी ना किसी कॉइल पर हमारा बीप आने लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, रीडिंग हमारा सभी कॉइल पर बराबर आ रहा है। तो हम एक बार होर्नियो में देखेंगे, इसका इनआउट वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब कि इस पावर आईसी के आउटपुट होने वाले सभी प्रकार के वोल्टेज। ये तो केवल बक वोल्टेज का हमने रीडिंग ले लिया क्योंकि हमें बक वोल्टेज दिखता है इसीलिए। तो अब हम जाएंगे होर्नियो के अंदर और देखेंगे इस आईसी के टोटल आउटपुट वोल्टेज का रीडिंग लेंगे हम यहाँ पर। तो देखेंगे हमारे पास ये हमने खोला हुआ है इसका बोर्नियो स्कीमेटिक, ठीक है। अब हमको देखना है कि देखो अगर आपको इस आईसी के टोटल आउटपुट वोल्टेज चेक करने, जो कि हमारे आईसी यहाँ पर ये है, ये रहा पावर आईसी, अगर आपको इसके सभी पैड का आउटपुट वोल्टेज चेक करना है तो मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप आईसी को उतार कर इसके सभी बॉलों का रीडिंग ले लें, उसमें भी आपकी सारी बॉल काउंटिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर इसके अंदर ये वाला ऑप्शन होता है, जैसे आप देखेंगे ये आपका है नोट 9, तो यहाँ से नोट 9 क्लिक किया, आप देखेंगे इसमें इनआउट वोल्टेज का ऑप्शन है कि नहीं, तो नीचे आप आएंगे यहाँ पर इनआउट वोल्टेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इन्होंने इनआउट का वोल्टेज ऑप्शन दिया, देखो यहाँ पर देखो ये जितने भी वोल्टेज आपके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो सभी वोल्टेज आपके इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज हैं, ठीक है। अब आपका मानना है कि एक्चुअली ये वोल्टेज कुछ एमएमसी के पास दिखाए हैं, कुछ आपके सीपी के पास दिखाए हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तो इसमें कुछ लाइन अंडरग्राउंड सीधा सीपी के लिए जाता है और पावर आईसी के लिए। ऐसा कह सकते हैं कि इस आईसी के पास बाहर फिल्टर कैपेसिटर लगाने की इतनी जरूरत जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट लाइन बाहर निकाल दी, उनके फिल्टर कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, इसीलिए आप देखेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको इसीलिए, ठीक है, आपको यहाँ पर देखो जैसे आपको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहे हैं, देखो ये आपको सभी के सभी आपको जितने ही वोल्टेज हैं वो सभी इसके आउटपुट वोल्टेज आपके हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी आउटपुट वोल्टेज हैं। तो हमें सबका रीडिंग लेना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सबका रीडिंग लेंगे तभी हम कन्फर्म कह सकते हैं कि हमारा किस लाइन में शॉर्टिंग। अगर ये सब रीडिंग सब लाइन पर रीडिंग हमारा ओके आता है
तो 100% है हमको इसका पावर आईसी चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सर्किट का वोल्टेज है जो आपका यहाँ पर है, इसका रीडिंग लेते हैं। रीडिंग आपका ओके आ रहा है 600 प्लस, ठीक है, ये रीडिंग ओके आपका है। कर लेंगे हमारा यहाँ पर अभी एक लाइन है आपका, ये भी रीडिंग ओके आपका है। इसका कर लेंगे हम यहाँ पर इस साइड, तो ये भी आपका रीडिंग ओके आ रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर, ये रहा, तो यहाँ भी रीडिंग ओके है। अब हम नीचे आएंगे और थोड़ा सा डायग्राम को भी नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग लेते हैं इसका एक, यहाँ पर ये भी ओके रीडिंग है, यहाँ पर लेंगे ये भी रीडिंग ओके आपका है। रीडिंग यहाँ पर लेंगे आप, ये भी ओके रीडिंग है, और यहाँ चेक करेंगे ये भी ओके है, और एक हमारा है इस कैपेसिटर रीडिंग, मतलब यहाँ भी ओके है। मतलब कि इसके आसपास जितने भी हमारा सप्लाई है, तो सप्लाई हमारा यहाँ पर है, उसका भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो एक हमारा रीडिंग यहाँ पर है, ये भी रीडिंग ओके आ रहा है आपका। इसका चेक करेंगे, ये भी रीडिंग ओके है, और अब चेक करेंगे हमारा यहाँ भी रीडिंग ओके है, और ये भी रीडिंग ओके आपका है, और आपका यहाँ भी रीडिंग ओके। मतलब कि आपका इस पार्ट के अंदर हमारा लगभग ये सारा वोल्टेज चेक कर लिया है हम। यहाँ पर दो ये हमारा वाईफाई आईसी के पास रह गया, और ये वाला, ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। बाकी हमारा ये जो एक साइड से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिलहाल ये बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम ये वाला चेक कर लेते हैं जो हमारा ये बचा हुआ है कस्टमर के पास, 1.8 वोल्टेज, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखा आपने कि जिन भाई के पास हैंडसेट आया था वो बड़ा डैमेज था, उन्होंने इसका सारा चीज रिवॉल्व कर दिया, पर कुछ उन्होंने सीपीएमसी को रिवॉल्व किया। उसके बाद इस सेट में सेट हमारा चालू भी हुआ था उनका, उसके बाद सेट ये बंद हो गया। तो देखते हैं कि अभी हमने यहाँ पर रीडिंग चेक कर लिया, हम रीडिंग हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर रीडिंग चेक कर चुके हैं, एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे यहाँ का भी, ये भी ओके है, इसके आसपास चेक कर लेंगे, ये भी ओके है, यहाँ भी ओके आ रहा है, ये भी ओके है आपका, ये तो ओके है ही, यहाँ भी ओके है, ये भी ओके आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका लगभग ओके है। अब देखें क्रिस्टल के पास चेक करेंगे, ये जो वोल्टेज आपका है 1.8, ये सप्लाई तो ओके आ रहा है हमारा। देखो यहाँ भी ये भी वोल्टेज ओके आपका आ रहा है, ये ग्राउंड है, यहाँ भी ओके, ठीक है। मतलब कि आपका इस साइड रीडिंग, आपका सभी रीडिंग यहाँ पर ओके है। अब हम चेक करेंगे इसके बैक साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर सारा रीडिंग चेक कर लिया, हमारा रीडिंग सारा ओके है। अब हम चेक करेंगे इसके बैक साइड, ठीक है, वहां पर हमने रीडिंग चेक कर लिया, वहां पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिला है, और यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर शॉर्टिंग देखते हैं है कि नहीं, नहीं तो हमें पावर आईसी चेंज करना पड़ेगा इसका। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी, हम चेक करेंगे यहाँ पर, रीडिंग भी ओके आपका है, ये भी ओके रीडिंग आपका है, ये भी रीडिंग ओके आपका आ रहा है। इसके बाद चेक करेंगे हम, ये रीडिंग भी ओके आपका आ रहा है। इसके बाद चेक करेंगे हम यहाँ पर आपका ये रीडिंग, ये भी रीडिंग ओके आपका। एक बार चेक करेंगे ये रीडिंग, देखो यहाँ पर आपका ओनली 2 रीडिंग आ रहा है, मतलब कि बी आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चेक करेंगे एक साइड ग्राउंड है आपका, ये कैपेसिटर ग्राउंड है, और एक साइड आप चेक करेंगे तो देखो एक साइड आपका ये, मतलब कि हमारा ये लाइन शॉर्ट है, जो कि हमारा 1.8 का लाइन शॉर्ट है। देखेंगे आप 1.8 का लाइन आपका शॉर्ट है, तो ये लाइन हमारा बहुत जगह जाता है, सीपीयू मेमसी में जाता है आपका ये लाइन, और यही लाइन हमारा देखेंगे एक बार डायग्राम से,
यहाँ पर डायग्राम से देख रहे हैं आप, तो ये लाइन हमारा देखो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखेंगे ये लाइन कहाँ से जा रहा है हमारा। देखो यहाँ पर बिटमैप से देखो यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, और ये लाइन हमारा सीपीयू एमएमसी पावर, ये लाइन हमारा सीपीयू में भी जा रहा है, एमएमसी में भी जा रहा है, प्लस आपका पावर आईसी में भी जा रहा है। पावर आईसी का आउटपुट लाइन है आपका ये, देखो पावर आईसी में भी जा रहा है। पावर आईसी के यहाँ कुन्ने पर एक ये कैपेसिटर है, वहां पर ये लाइन गया हुआ है। एक बार इसका भी रीडिंग चेक कर लेंगे। देखो ये शॉर्ट है आपका, इसे ग्राउंड है आपका, मतलब कि हमारा 1.8 का लाइन शॉर्ट है, जो कि हमारे VIO 1.8 का वोल्टेज है। तो ये लाइन हमारा बहुत जगह जा रहा है। शायद अभी इसमें केस में ऐसा हो सकता है कि CPMMC जो रिवॉल्व किया है, शायद ये सही से नहीं हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कि ये इसमें से कोई शॉर्ट हो गया हो, क्योंकि ये लाइन आपका CPU गया हुआ है। तो एक बार हम इस लाइन की शॉर्टिंग हटाने के लिए इस लाइन में हम वोल्टेज देंगे, ठीक है। वोल्टेज देंगे 2 वोल्टेज और आपका 1 एम्पियर। तो हम देखते हैं कि हमारा गर्म किस साइड होता है। देखो यहाँ पर हमारा 1 एम्पीयर पूरा कंज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर हमारा कोई भी सीपीयू और एमएमसी में से कोई भी गर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा सीपीयू एमएमसी तो शायद ठीक है। देखो ये दोनों में से कोई भी गर्म नहीं हो रहा हमारा, मतलब कि हमारा ये तो ठीक है, और ये लाइन हमारा गया हुआ है बैक साइड में, बहुत जगह हुआ है लाइन, यहाँ भी आया हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ कंपाउंड है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देंगे वोल्टेज और देखते हैं कि कोई पार्ट शीट होता है कि नहीं। अब एक बार यहाँ देंगे, क्योंकि तो इस साइड भी देखेंगे हमारा ये एरिया भी बहुत जगह कवर है हमारा, इसके इस एरिया भी बहुत जगह हुआ है। ये वोल्टेज हमारा सेंसर के लिए भी आया हुआ है, ठीक है, प्लस पावर आईसी का आउटपुट है, और ये हमारा बहुत जगह हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कई जगह पे लाइन गया। तो हम एक बार यहाँ वोल्टेज देंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। अगर हमारा यहाँ भी कोई पार्ट्स हीट नहीं हुआ, तो फिर हमको इसके लिए थर्मल कैमरे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि माइनस वोल्टिंग है अगर ये नहीं हटता है तो। हम एक बार यहाँ वोल्टेज देंगे, पावर आईसी के जगह पर जो कि ये लाइन आया हुआ है। तो यहाँ पर वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पर हमारा इस जगह पर हमारा कोई पार्ट शीट हो रहा है। ये जो जगह है देखो, मैं यहाँ पर वोल्टेज देता हूँ आपका, यहाँ वोल्टेज देता हूँ मैं आपका, ठीक है। अब देखना, मैंने यहाँ पर वोल्टेज दिया आपका, देखो हमारा यहाँ पर कोई पार्ट शीट हो रहा है हमारा। जो ये आपका फिंगरप्रिंट है, इसके पास हमको कुछ चीटिंग महसूस हो रहा है। इसके बैक साइड देखते हैं, बैक साइड पे तो हमारा सिम ट्रे है, तो हमको यहाँ पर कुछ चीटिंग महसूस हो रहा है इस जगह पर। ये जो आईसी है, इस आईसी के पास हमको कुछ चीटिंग महसूस हो रहा है आईसी के पास। तो देखते हैं डायग्राम में ये लाइन आईसी के पास आया हुआ है कि नहीं। तो हम इस लाइन को देखते हैं, ये आपका एस आई सी के पास आया हुआ है, आईसी के इस पॉइंट पर टच है, आईसी का हमारा ये पॉइंट है उस पर टच है, और सेकंड साइड क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस आईसी के अंदर गया हुआ है। ये जो हमारा आईसी है, इस आईसी के अंदर गया हुआ है। तो हम
इस एरिया में लगा लेंगे रोजर प्लक्स और देखेंगे कि हमारा आईसी आईसी शॉर्ट है या इसके पास लगने वाला कंपोनेंट। एक बार तो अभी क्या है, हमको यहां पर शॉर्टिंग मिला है, मतलब यहां पर हमको हीटिंग मिला है। तो यहां पर देखा कि हमने जब इस जगह पर वोल्टेज दिया आपका यहां पर 1.8 इस जगह पर, तो हमको बैक साइड तो कुछ हीटिंग नहीं हुआ, सीपीएम से हमारा बैक साइड से हीट नहीं हुआ, हमने चेक किया था वोल्टेज यहां पर देखकर, यही सेम लाइन आपके यहां पर आया हुआ है। तो हम यहां पर वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कि हमारा इस एरिया में हमको थोड़ा सा हीटिंग महसूस हुआ, तो हम लगा लेते पहले इसमें फ्लक्स, क्योंकि यहां पर कैपेसिटर है, रजिस्टर पर भी लाइन गया हुआ है और आईसी पर भी गया हुआ है, तो हमको यहां पर हल्का सा ये हीटिंग महसूस हुआ है। और यहां भी एक कैपेसिटर है, उस पर भी लाइन गया हुआ है, हमको यहां पर हल्का सा हीटिंग महसूस हुआ। तो हम एक बार वोल्टेज देंगे अपना वही सेम वोल्टेज 2 एम्पीयर, चेक करेंगे शॉर्टिंग हमारा एक्चुअल किस साइट है, तो हम वोल्टेज हम यही देंगे इसके नीचे। और देखो यहां पर वोल्टेज देते हैं और देखेंगे कि शॉर्टिंग हमारा एक्चुअल कौन सा पार्ट गर्म हो रहा है, ये वोल्टेज हमने दे दिया इसमें, देखो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से हमारा पेस्ट है वो मेल्ट हुआ है, एक बार दोबारा देखेंगे। देखो आपका ये कैपेसिटर से ही लीकेज है, ये जो कैपेसिटर हमारा यही कैपेसिटर लीकेज है, यही हमारा यहीं से रोजन प्लक्स हमारा जो पेस्ट था वो हमारा हट गया है। तो देखेंगे यही इस हमारा ये कैपेसिटर पर भी ये लाइन गया हुआ है, तो हम एक बार इसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं जिससे हमारा रोजन प्लक्स हटा हुआ है। ये वो कैपेसिटर आपका वो हमने निकाल लिया है जो कि हमारा 1.8 की लाइन में लगा हुआ था। अब हम चेक करेंगे एक्चुअली ये शॉर्ट तो नहीं है आपका, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही कैपेसिटर था जो शॉर्ट था हमारा, ये जो कैपेसिटर था वही शॉर्ट था हमारा। तो ये कैपेसिटर हमारा यहाँ से लाइन ये इस आईसी के लिए गया हुआ है जो हमारा ये नेटवर्क का आईसी है, इसके लिए लाइन गया हुआ है, तो मतलब हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा था। एक बार देखेंगे कि यहाँ पर अभी हमारा रीडिंग आया कि नहीं आया, जो हमको यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रहा था, तो रीडिंग चेक कर लेते हैं रीडिंग हमारा आया है कि नहीं। एक बार देखो रीडिंग हमारा 300 आ गया है, रीडिंग हमारा 300 आ गया है। तो यहाँ पर देखा आपने कि इसका एक कैपेसिटर खराब था, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। तो हम एक बार देखते हैं कि सेट हमारा अभी चालू होता है कि नहीं, तो यहाँ से हम ये से खोल लेते हैं, निकाल दिया हमने और एक बार देखेंगे बोर्मियो के अंदर। देखो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है और ये लाइन आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए जाता है, तो ये वाला जो कैपेसिटर था वो हमारा शॉर्ट हो गया था कैपेसिटर, ठीक है, जो हमने निकाल दिया है और शॉर्टिंग हमारा हट गया। एक बार चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अभी हमारा सेट चालू होता है कि नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपने बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। Thank you.
अब देखते हैं कि हमारे वोल्टेज बने हैं कि नहीं वोल्टेज। तो चला है चार्जर हमारा, और यहाँ पर हमने ये 0.6 लिया है, और अब देखेंगे, देखो MI का लोगो आ गया आपका, सेट चालू हो गया है, 1.2 ले गया है। देखो ये सेट आपका 25% चार्ज है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया, तो आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने सेट चालू हो गया है।